ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 2 सितंबर 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:29 हो रहे। कल हमने देखा एक रिकवरी की कोशिश हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली, हालांकि डेली चार्ट पर 2 ही कैंडल बनाए, जहां पर ओपन हुआ था उसी जगह आकर क्लोज हुआ है। तो जबरदस्त फॉल के बाद एक रिकवरी की कोशिश हमें देखने को मिल रही है। मेजर सपोर्ट है 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हमने देखा जैसे जियोपॉलिटिकल न्यूज आई, पैनिक न्यूज थी, बॉर्डर के ऊपर तनाव काफी बढ़ गया है, तो इसके मद्देनजर कितना पैनिक मूव आया, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स टॉप से निफ्टी नीचे की तरफ गिर गया। तो ये कह सकते हैं ये एक सिर्फ ट्रेलर है, अगर वॉर एक्चुअल में शुरू हो जाए तो कितना गिरावट आ सकता है। तो किसी भी देश के लिए वॉर अफोर्डेबल नहीं है, उनके इकोनॉमी के लिए ये अफोर्डेबल नहीं है इस वक्त, क्योंकि बाहरी कंट्रीज से एफआईआई का पैसा आपके कंट्रीज में लगाया हुआ होता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो इन्वेस्टर्स डर जाते हैं और अपना पैसा उस कंट्री से तुरंत निकालने को देखते हैं। तो वॉर किसी भी कंट्रीज के लिए अफोर्डेबल नहीं है, इकोनॉमी के ऊपर इसका काफ़ी बुरा असर होगा। तो यहाँ पर इस पैनिक मूव के बाद एक रिकवरी की कोशिश देखने को मिल रही है। आज के इंट्राडे लेवल्स होंगे जिसको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 1 सितंबर आफ्टर मार्केट आरसी पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कल हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,457 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,325। निफ्टी इंडेक्स एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास ओपन हुआ और यहाँ से घूम के ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव हुआ, तो फर्स्ट टारगेट हमारा ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद 11,480 ये अचीव हुआ। सेकेंड टारगेट 11,501 अचीव हुआ, एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और काफ़ी देर तक एक कंसोलिडेशन, एक साइडवेज पैटर्न में ये ट्रेंड हो रहा था। कई बार फिर से ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, काफ़ी एक्यूरेट लेवल कल साबित हुए। फिर ये फर्स्ट टारगेट के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और दोबारा इसने सेकेंड टारगेट को हिट किया। लगातार ये ब्रेकआउट लेवल और सेकेंड टारगेट के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और क्लोज भी हुआ ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट के पास 11,470। तो कल भी काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए और कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 24 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल भी नासडैक में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली, आईटी स्टॉक्स यूएस में ज़बरदस्त भाग रहे, तो नया रिकॉर्ड क्लोज यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि यूरोपियन मार्केट्स में फिर से एक बार कमजोरी देखने को मिली, लंदन मार्केट करीब 101 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। आज एशियाई बाजार ओपन हो चुके हैं तो एसजीएक्स निफ्टी फिर से एक बार थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, हालांकि जापानीज इंडेक्स 70 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो हल्की सी बढ़त इस समय देखने को मिल रही है। तो एशियाई बाजार से मिले जुले संकेत आ रहे, एक्सपायरी के एक दिन पहले ऐसा देखने को मिलता है काफ़ी वक्त। जल्द ही निफ्टी के चार्ट के ऊपर वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यहाँ पर जैसे कि फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को हमने ड्रॉ किया था तो इसका 123.6% का लेवल यहाँ पर अचीव हो चुका है। तो नीचे अगर देखें मूविंग एवरेजेस को, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, वीकली चार्ट में गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पर मिल सकता है। मिलेगा ये ऐसा नहीं कह सकते, ये प्रोबेबिलिटीज है। अगर गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पर मिलता है और ये जो लास्ट वीक यहाँ पर ये जो इसने अचीव किया 123.6% का लेवल 11,750 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो हमें 12,000 के लेवल्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल नीचे की तरफ 11,200 और ऊपर 11,750 का रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट बना हुआ है।
एज पर वीकली चार्ट, लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में जो मंडे को ये 500 का फॉल आया था, तो जैसे ऊपर से ये गिरना शुरू हुआ था, तो यहाँ पर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करके कहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स आ रहे उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो इन लेवल्स के यहाँ पर ये मंडे को पॉज ले रहा था और लास्ट पॉज इसने जहाँ पर ये 20 EMA 50 EMA के लेवल के आसपास आ रहा था, इसने यहाँ पर एग्जैक्ट लास्ट सपोर्ट टेस्ट किया और यहाँ से अभी एक रिकवरी की कोशिश कर रहा है। लेकिन कल का कैंडल भी देखे तो डोजी कैंडल है, यानी इंडिसिजिव पैटर्न है, ना बुल्स जीत पा रहे हैं ना बेयर्स जीत पा रहे। तो अभी ये 20 EMA जो है अराउंड 11,350 के पास है, ये मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है। इसको अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ से और हमें गिरावट निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। लेकिन होप, लास्ट टाइम 2 times यहाँ पर देखा 20 EMA के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया। तो अगर यहाँ पर हायर हाईज क्रिएट होते हैं, हायर लोज क्रिएट होते हैं छोटे स्मॉल कैंडल्स में, तो हो सकता है इस बेयरिश कैंडल को फिर से एक बार ऊपर की तरफ ब्रेक करे निफ्टी इंडेक्स और हमें और तेजी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिले। होप अगर कोई जियोपॉलिटिकल बैड न्यूज़ नहीं आता है। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये कल का सिनेरियो है, आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म ये इन ट्रेंड लाइंस के बीच में ये निफ्टी इंडेक्स कल फंसा हुआ है, ना हायर हाई बन रहे ना लोअर लोज बन रहे। तो ये कंसोलिडेशन साइडवेज पैटर्न है, तो इसका ये जो रेंज बन रहा है अपर लेवल का ये रहा और डाउन साइड का लेवल ये रहा, इन लेवल्स के ऊपर ये क्लोज नहीं हो पाया कल। तो ये लेवल्स रिस्पेक्टिवली ब्रेकडाउन ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का काम कर सकते हैं। ऊपर अगर 11,519 के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,540। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,560, जो कि पिवट पॉइंट का R1 का लेवल है। और नीचे की तरफ अगर आता है तो हम 11,414 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ये शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,389। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,367। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।